सभी को नमस्कार। मैं प्रियंका गुप्ता आज उपस्थित हूँ आप सभी के समक्ष प्रेरणा लक्ष्य की याद करने के लिए एक छोटी सी ट्रिक के साथ। हम सभी को पता है कल हमें दो टॉपिक दिए गए हैं एग्ज़ाम के लिए, प्रेरणा लक्ष्य और प्रेरणा सूची। तो उनमें से प्रेरणा लक्ष्य के लिए ये ट्रिक मैंने बनाने की कोशिश करी है, आशा करती हूँ आप सभी को पसंद आएगी और इससे आपको कुछ सहायता मिलेगी। पहली है भाषा के लिए, कक्षा 1 से 5 तक सिर्फ हमें लर्न करना है 5, 20, 30, 75, 75। याद रखें 5, 20, 30, 75, 75, ये क्रमशः कक्षा 1 से 5 तक के लिए है। तो कक्षा 1 से हमने शुरू किया, ये माइंड मैपिंग हमारे माइंड में हो जाएगी। निर्धारित सूची में से 5 शब्द बच्चा सही पढ़ पा रहा है, फिर 20 शब्द प्रति मिनट प्रवाह से अनुच्छेद को कक्षा 2 का बच्चा पढ़ पा रहा है, 30 शब्द प्रति मिनट की प्रवाह से अनुच्छेद को पढ़ पा रहा है कक्षा 3 का बच्चा, फिर 75% प्रश्नों को हल कर लेता है छोटे अनुच्छेद को पढ़कर कक्षा 4 का बच्चा, फिर बड़े अनुच्छेद में से 75% प्रश्नों को हल कर लेता है कक्षा 5 का बच्चा। ये है सरल सी ट्रिक भाषा के लिए, 5, 20, 30, 75, 75। इसके बाद आती है गणित। गणित के लिए एक ट्रिक है, सब जोड़ो हाथ गूगल करे भवपार, सब जोड़ो हाथ गूगल करे भवपार। देखते हैं इसको कैसे डीकोड करना है। सब से आती है संख्या, कक्षा 1 से 5 तक के क्रमशः, तो कक्षा 1 से शुरू करेंगे। संख्या यानी 5 संख्या निर्धारित सूची में से बच्चा सही पहचान लेता है। उसके बाद जोड़ों से आता है जोड़ घटा, 75% एक अंकीय जोड़ घटा के प्रश्नों को बच्चा सही कर लेता है। हाथ से आता है हासिल वाले जोड़ घटा के सवालों को बच्चा 75% सवालों को सही कर लेता है। इसके बाद है गूगल से आता है गुणा, गुणा के 75% सवालों को सही कर लेता है 4 का बच्चा, कक्षा 4 का बच्चा। कक्षा 5 का बच्चा करे छोड़ना है भव पार से है भाग, कक्षा 5 का बच्चा भाग के 75% सवालों को हल सही कर लेता है। ये छोटी सी ट्रिक थी और आशा करती हूँ आप सब लोगों को पसंद आई होगी और आप सब इसके सहयोग से अपना अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे। थैंक यू सो मच देखने के लिए, आप सभी को धन्यवाद।